गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जो न्यू ट्रेंड्स इन एक्सटेंशन एजुकेशन शुरू किए थे, जिसमें हमने प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज क्या होता है उसके बारे में चर्चा की थी, और सेकंड जो हमने पढ़ा था वो साइबर एक्सटेंशन क्या होता है, ई एक्सटेंशन भी जिसे कहते हैं, उसके बारे में भी चर्चा की थी। आज का जो है हमारे उसी दिन हमने देखा था कि तीन बचे हुए थे, आज उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है मार्केट लेड एक्सटेंशन, फिर फार्मर लेड एक्सटेंशन और एक्सपर्ट सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मार्केट लेड एक्सटेंशन क्या होता है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे पूरा संसार ही चेंज हो रहा है, नए नए चेंजेज आ रहे हैं, उसी प्रकार से एग्रीकल्चर को भी चेंज होने की ज़रूरत है। क्यों ना हम एग्रीकल्चर पर भी ध्यान दें, इसमें भी नए नए परिवर्तन लाकर टेक्नोलॉजीज चेंज कर हम आगे बढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर से क्या होता है, एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। प्रोडक्शन तो हम ले सकते हैं, पर जब तक मार्केटिंग नहीं होगी उसकी, तब तक उस प्रोडक्शन का क्या फ़ायदा। तो मार्केटिंग के लिए उसकी इकोनॉमिक्स भी ज़रूरी है। इकोनॉमी बनाए रखने के लिए क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को जो भी एग्रीकल्चर के थ्रू हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी मार्केटिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मार्केटिंग का रोल तभी बढ़ जाता है। एग्रीकल्चर विदाउट इकोनॉमी इज़ नथिंग, मतलब अगर हम एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोड्यूस हैं उनको हम बेचेंगे नहीं, अपनी आर्थिक व्यवस्था नहीं सुधारेंगे, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो मार्केट के लिंकेज है वो ज़रूरी है किसी भी एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मार्केट लेड एक्सटेंशन की जो है टर्म आई थी। ये कंसेप्ट जो है क्यों आया, क्योंकि सबसे पहले जो फार्मर्स हैं वो प्रोडक्शन पर ध्यान देते थे, प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का बढ़ाने को सोचते थे, पर उन्होंने कभी उस चीज़ की मार्केटिंग के लिए नहीं सोचा कि कैसे उस चीज़ की मार्केटिंग करेंगे। इसलिए उनके जो भी प्रोडक्शन का फ़ायदा है वो मिडलमैन जो बिचौले होते हैं वो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते थे, तो वो सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान देते थे जो फार्मर्स थे। पर जब मार्केट लेड एक्सटेंशन है, इसमें सोचा गया कि प्रोडक्शन के साथ साथ कि वो प्रोड्यूसर तो हैं वो सेलर भी बने, तो प्रोडक्शन प्रोड्यूसर प्लस सेलर, मतलब जो भी चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी चीज़ वो पैदा कर रहे हैं, उसकी पैदावार बढ़ाने के साथ साथ उसको सेलिंग कैसे करनी है, उस चीज़ को बेचना कैसे, उस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाए। तो उसमें क्या है, तभी ये कंसेप्ट जो है मार्केट लेड एक्सटेंशन की टर्म ईजाद हुई। मार्केट लेड एक्सटेंशन की टर्म के लिए जो मैनेज हैदराबाद में है, नेशनल सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो कि हैदराबाद में है, यहाँ पे 3 दिन की वर्कशॉप की गई थी जो कि 18 से 20 दिसंबर 2001 में हुई थी। इसमें यह चर्चा की गई कि कैसे फार्मर्स को सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में ना करके प्रोडक्शन कम सेलर्स बनाने की कोशिश की जाए, कि वो प्रोड्यूसर भी हो और साथ साथ में सेलर भी हो, कि उन्हें हर चीज़ के बारे में पता हो, मार्केट इंटेलिजेंस के बारे में, वैल्यू एडिशन अपने प्रोड्यूस को कैसे करना है, कैसे मार्केट में उसकी सेलिंग करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें पता हो। इसलिए ये टर्म पे चर्चा की गई मैनेज में, तब जाके ये टर्म आई। सबसे पहले ये कंसेप्ट कहाँ से आया, फिर है कि वाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। 70 साल हो गए हैं इंडिपेंडेंस को और अभी तक भी जो एग्रीकल्चर है उसमें क्वालिटी नहीं है, टाइमली हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं मिलते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है, मतलब कि जो भी इनपुट्स हैं उनको इतना इफ़ेक्टिव कॉस्ट नहीं मिलता है फार्मर्स को, और कंज्यूमर्स को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, यह एक सपना ही रह गया है। इसलिए फार्मर्स जो हैं अपना जो भी सरप्लस प्रोडक्शन है, जो भी उनकी अच्छी पैदावार होती है उसको बेचने में भी सक्षम नहीं हो पाते हैं, उनको अच्छी मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है, इसलिए उनको कभी कभी डिस्ट्रेस सेल भी करनी पड़ती है। डिस्ट्रेस सेल क्या होती है कि उन्हें जब नॉलेज ही नहीं है कि किसी प्रोड्यूस को कैसे बेचना है, तो उन्हें अपने जो भी नज़दीकी लैंड ओनर्स होते हैं उनको बेचना पड़ जाता है, जमींदार बड़े बड़े उनको अपनी जो भी क्रॉप है वो कम दाम पर बेचनी पड़ जाती है मजबूरी में, तो इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, फार्मर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो जो बीच के ये मिडलमैन को हटाने के लिए मार्केट लेड एक्सटेंशन की टर्म का इजाद हुआ। स्वामी नाथन जी ने कहा है
कि वी प्रोड्यूस इनफ टू फीड द नेशन, मतलब कि भारत में इतनी पैदावार होती है कि पूरा नेशन अच्छे से उनको फीडिंग की जा सकती है, पर फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि मार्केट लेड एक्सटेंशन की टर्म या ऐसी जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आई है उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए एक्सटेंशन को और मजबूत बनाकर प्रोडक्शन के साथ साथ उसकी सेलिंग और मार्केटिंग को अच्छा बनाने के लिए ये टर्म आई थी। अब है मार्केट लेड एक्सटेंशन क्यों इम्पोर्टेंट है। इट इज़ एन अप्रोच थ्रू विच एक्सटेंशन सिस्टम विल रीच टू क्लाइंट, मतलब इस टर्म के थ्रू मार्केट लेड एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन आया है इसमें कि जो एक्सटेंशन एजेंट होंगे वो क्लाइंट तक पहुंचकर उनको मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और उनको इतना सक्षम बना देंगे कि वो अपना जो प्रोड्यूस है वो अपने दम पर उसकी क्वालिटी को सुधारेंगे, उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे और उसको मार्केटिंग इंटेलिजेंस के सारे नियम समझकर वो मार्केट में अच्छे से उसको सेलिंग कर पाएंगे, बेच पाएंगे। फोकस ऑफ एक्सटेंशन फंक्शनरी, मतलब जो भी एक्सटेंशन एजेंट्स होते हैं उनका फोकस, उनका ध्यान किस चीज़ पे होगा, बियॉन्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो क्योंकि फार्मर्स कर रही हैं, प्रोडक्शन से भी पार वो ये सोचेंगे कि इसमें प्रोडक्शन तो चलो अच्छा हो रहा है, उसके भी अच्छा करने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, पर उसके साथ साथ मार्केटिंग पर भी ध्यान दिया जाएगा। प्रोडक्शन को वैल्यू ऐड कैसे करना है, उसको मार्केटिंग के लिए कैसे बनाना है, एक्सपोर्ट करना है, आप सिर्फ अपना प्रोडक्शन इंडिया में ना करके एक्सपोर्ट करके भी पैदावार को बढ़ाकर आप अच्छा से अच्छा इनकम प्राप्त कर सकते हैं, इसे रोजगार के, एम्प्लॉयमेंट के अच्छे साधन मिल सकते हैं। तो प्रोडक्शन से परे सोचकर और भी ज़्यादा प्रगति करने के लिए एक्सटेंशन का क्या, इसमें एजेंट की भूमिका महत्वपूर्ण है। फिर है फार्मर्स को क्या क्या करना होगा, बहुत सारे क्वालिटी के एस्पेक्ट के बारे में सोचना होगा, कंज्यूमर मतलब जो आपके उपभोक्ता हैं उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो भी है मार्केट में लोगों की मांग क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको पैदावार करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको क्रॉप को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए एक्सटेंशन एजेंट अपने क्लाइंट कौन हो जाएंगे, उनके फार्मर्स को इससे रिलेटेड सारी जानकारी देते हैं। मार्केट इंटेलिजेंस से रिलेटेड, मतलब मार्केट में जितनी भी नॉलेज है वो पूरा उनको प्रोवाइड करते हैं कि मार्केट में आपको कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, या फिर मार्केट से रिलेटेड जो है आपको कैसे सेलिंग करने की कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, जो एक फार्मर्स को खुद को ही अगर सेल करना है अपना प्रोड्यूस या मिडल मैन को भी देना है तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इन सब से रिलेटेड सारी जानकारियाँ उनको देगा। और वैल्यू एडिशन मतलब कोई भी आपका प्रोड्यूस है उसमें वैल्यू एडिशन मतलब वैल्यू एबल प्रोडक्ट्स भी बनाकर आप उनको बेच सकते हो मार्केट में, अगर किसी भी चीज़ को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बन सकते हैं तो उनको वैसे उनकी प्रोसेसिंग करके कैसे उसमें वैल्यू ऐड करनी है ऐसे प्रोडक्ट्स भी आप बेच सकते हो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, उनकी प्रेफरेंस मतलब उनकी जो भी प्रायोरिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग आपको सेलिंग करनी है। ये सब नॉलेज आपको एक्सटेंशन के जो भी एजेंट्स होंगे वो देंगे, इसीलिए मार्केट लेड एक्सटेंशन मतलब मार्केट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है एक्सटेंशन एजेंट के थ्रू आप तक पहुंचाई जाएगी। एडवांटेज क्या है मार्केट लेड एक्सटेंशन के, तो सबसे पहले डिमिनिश मतलब कम करता है रोल ऑफ मिडल मैन, जो फार्मर और कंज्यूमर के बीच में जो मिडल मैन होते हैं, ये आप फार्मर हो और ये कंज्यूमर तक आप, यहाँ पे आप प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे सेलिंग कर रहे हो आप उनको, उसके बीच में जो मिडल मैन होते हैं जो बिचौले जिनको कहते हैं, वो क्या करते हैं आपसे फार्मर से तो कम दाम में वो चीज़ लेकर कंज्यूमर को ज़्यादा दाम में बेचते हैं, तो इससे फ़ायदा तो मिडल मैन को हो रहा है, फार्मर को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसका जो रोल है वो कम करने के लिए मार्केट लेड एक्सटेंशन की टर्म आई, ठीक है। सेकेंड है रिड्यूस द स्कैरसिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो मिडल मैन कभी कभी क्या करते हैं अपने पास प्रोड्यूस रख लेते हैं और फिर कंज्यूमर को मार्केट में एकदम से कमी दिखा देते हैं उस चीज़ की और उनके दाम बढ़ाकर कंज्यूमर से ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ का मतलब कि स्कैरसिटी क्या होती है, कमी, कोई भी प्रोडक्ट की कमी जो है इससे दूर हो जाएगी क्योंकि डायरेक्ट फार्मर प्रोड्यूस करेगा और फार्मर ही कंज्यूमर तक चीज़ों को पहुंचाएगा तो उस चीज़ की कमी नहीं आएगी। फिर है गिव्स मोर इनकम, इससे फार्मर्स का जो मिडल मैन पैसा बीच में से लेके जा रहा था वो
पैसा फार्मर को डायरेक्ट मिलेगा, तो इससे उनकी इनकम भी क्या है थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। गाइड्स देम टू डिसाइड रिगार्डिंग सेलेक्शन ऑफ क्रॉप, मतलब जो एक्सटेंशन एजेंट है वो उनको बताएगा कि मार्केट में अब किस चीज़ की डिमांड है, कंज्यूमर को कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए, तो उनके अकॉर्डिंग वो उनको बताएगा कि अभी ये क्रॉप को सेलेक्ट करना है आपको, या आपको ऐसी फार्मिंग सिचुएशन, फार्मिंग सिस्टम तैयार करना है जिससे ये क्रॉप्स लेनी है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है उनको गाइड करता है ये डिसाइड करने में कि आपको ऐसे सिस्टम बनाकर इन इन क्रॉप्स को उगाना है क्योंकि इनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। फिर है टू लिंक फार्मर क्लोज टू कंज्यूमर, तो इसमें क्या होता है कि फार्मर जो है वो कंज्यूमर के क्लोज हो जाता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाता है, बीच में से मिडल मैन हट जाता है। फिर है रेगुलेट प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस, ये हमने देखा कि उनकी कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पूरा प्रोडक्शन को रेगुलेट किया जाता है, उसको नियंत्रित किया जाता है, क्वांटिटी कितनी रखनी है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, गुणवत्ता का ध्यान रखना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है उसका ध्यान रखना है कि ताकि कमी ना आ जाए उस प्रोड्यूस की, या बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए कि वेस्ट हो जाए। फिर वैरायटी का ध्यान रखना है, फूड सेफ्टी के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका ध्यान रखना है कि जो भी आप उत्पादन कर रहे हो उसमें क्वालिटी हो और सेफ्टी भी हो। तो ये सब चीज़ों के लिए मार्केट लेड एक्सटेंशन की क्या है ये एडवांटेज हैं। अब है कि पहले प्रोडक्शन लेड एक्सटेंशन होता था कि सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाता था, फिर मार्केट लेड एक्सटेंशन आया, तो इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला है कि फार्मर्स आर परसीव्ड एज प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्शन लेड एक्सटेंशन था उसमें फार्मर्स को सिर्फ प्रोड्यूसर समझा जाता था, और कि वो बस कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कमोडिटी, कोई वस्तु है, कोई भी क्रॉप है, उसका सिर्फ प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसमें प्रोडक्शन लेड एक्सटेंशन में समझा जाता था। मार्केट लेड एक्सटेंशन में उनको एंटरप्रेन्योर और एग्रीप्रेन्योर भी समझा जाता है कि वो नई नई क्रॉप्स उगाकर, नया बिजनेस शुरू कर क्रॉप्स जो आपको डिमांड के अकॉर्डिंग क्रॉप रिस्क लेकर वो अच्छे एग्रीप्रेन्योर भी बन सकते हैं, या अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो वो अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। इसमें प्रोडक्शन लेड एक्सटेंशन में जो फोकस था वो प्रोडक्शन को बढ़ाना था, क्योंकि वो प्रोडक्शन लेड है, प्रोडक्शन पर आधारित है, उत्पादन पर आधारित है, तो इसमें लक्ष्य सिर्फ प्रोडक्शन था, यील्ड को बढ़ाना था, मतलब सीड के थ्रू सीड उत्पादन करने थे, तो ये सीड टू सीड के नाम से जाना जाता था। और इसमें पूरी प्रोसेस क्या होती है, एक एंटरप्राइज को पूरा कैसे इंक्रीज करना है, आपका एग्रीप्रेन्योर होने के नाते आपको अपने एंटरप्राइज को कैसे बढ़ाना है, अच्छा रिटर्न जो है बड़े बड़े मतलब रिटर्न को कैसे बढ़ाना है, हाई रिटर्न कैसे करना है, तो इसमें पैसों को भी ध्यान में रखते हुए आपको प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है उसके बारे में देखा जाता है। पूरा आप एंटरप्राइज जो है आपका, जो भी आपका बिजनेस है उसके, उसको पूरे को सोचते हुए आप ध्यान दोगे, और उसमें सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाता है। प्रोडक्शन लेड एक्सटेंशन में फिक्स पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस होती हैं कि आपने जिस भी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना है उससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उसकी प्रैक्टिसेस का आप ध्यान रखोगे, और इसमें क्या होता है पूरे एंटरप्राइज की ग्रोथ आपको कैसे करनी है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी प्रैक्टिसेस और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को आप यूज़ करके अपने एंटरप्राइज को और ज़्यादा सफल बनाएंगे। फिर है इसमें एक्सटेंशनिस्ट का रोल, मतलब एक्सटेंशन एजेंट का रोल जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि लिमिटेड होता है प्रोडक्शन लेड एक्सटेंशन में, पर इसमें क्या एक्सटेंशन एजेंट का उनको हर प्रकार की जानकारी देता है वो, कि मार्केट की इंटेलिजेंस के बारे में, वैल्यू एडिशन कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है उस प्रोडक्ट की, और उसमें प्रोसेसिंग के कौन कौन से लिंक है उनके बारे में भी जानकारी देता है। इसमें जो मेंटेनेंस है रिकॉर्ड की इतनी ज़रूरी नहीं होती है, क्योंकि आपको तो सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देना है कि किसी भी क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस करना है, पर जो मार्केट लेड एक्सटेंशन है इसमें आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको पूरा एंटरप्राइज की ग्रोथ को देखना है, रेगुलेट करना है, तो उस ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता है। अब सेकंड है फार्मर लेड एक्सटेंशन, किसान पर आधारित एक्सटेंशन। इसमें क्या होता है, अभी हमने मार्केट लेड एक्सटेंशन पढ़ी, उसमें एक्सटेंशन एजेंट का रोल ज़्यादा था, इसमें एक्सटेंशन एजेंट का रोल, या फिर आप कह दो कि साइंटिस्ट का रोल से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रोल किसका होगा, किसानों का, मतलब जो भी प्रोसेस होगी, जो भी सारी चीज़ें होंगी वो
किसानों के थ्रू करवाई जाएंगी, तो किसान को ही प्रिंसिपल एजेंट समझा जाएगा। किसी भी रूरल कम्युनिटी में अगर आपको परिवर्तन लाना है तो इसमें किसानों का जो रोल है वो बहुत बड़ा होगा। स्टेप्स क्या क्या हैं? सबसे पहले क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनोवेशन फार्मर्स एक्सटेंशन एजेंट। जो भी नए नए इनोवेटिव फार्मर्स हैं, जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उनमें इनोवेशन मतलब जो नया इनोवेशन क्या होता है, न्यू आइडिया। जो भी इनोवेटिव फार्मर है उनको एज ए एक्सटेंशन एजेंट चुनना। तो सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफिकेशन करना, ऐसे लोगों का चुनाव करना जिनमें नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कर नए नए तरीके यूज़ कर रहे हैं, तो उनको एज ए एक्सटेंशन एजेंट आप चुनाव करोगे। फिर होता है ग्रुप फॉर्मेशन, फिर ऐसे जितने भी एक्सटेंशन एजेंट जो कि नए आइडिया से रिलेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उनका एक ग्रुप का निर्माण करेंगे वो मिलकर। फिर उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, उनमें ट्रेनिंग के दौरान उनमें स्किल डेवलप की जाएगी, उनमें दक्षता उत्पन्न की जाएगी कि वो एक अच्छे फार्मर बन सकें और ज़्यादा प्रोडक्शन पर ध्यान देकर नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर प्रोडक्शन को इनक्रीज कर पाएँ। फिर है प्रमोशन ऑफ फार्मर्स पार्टिसिपेटरी रिसर्च एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम। फिर उनका प्रमोशन करना है कि जो भी पार्टिसिपेटरी के रिसर्च के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनका यूज कर प्रोडक्शन को क्या करना है, इन प्रोग्राम्स के थ्रू जो भी लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है उनका डेवलप करना है। मतलब किसी एरिया में जो टेक्नोलॉजी ज़्यादा फ़ायदेमंद है उनको ध्यान में रखते हुए आपको क्या है, अपने नई नई टेक्नोलॉजी का क्या करना है, प्रमोशन करना है। फिर है फार्मर्स ग्रुप आर टू बी इक्विप्ड विद द मार्केट इंटेलिजेंस। ये जितने भी नए मतलब नए आइडिया वाले फार्मर्स को आपने एज एक्सटेंशन एजेंट चुना है, इनको पूरा मार्केट इंटेलिजेंस का नॉलेज होना चाहिए, आईसीटी का नॉलेज होना चाहिए, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं हैं उनका सारा नॉलेज होना चाहिए, और पूरी मार्केट से रिलेटेड जो भी सूचना है उनमें आपको क्या होनी चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए, आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। चेंजिंग रोल ऑफ फार्मर्स, मतलब अपने जो फार्मर्स यूज किए, आजकल फार्मर्स किसान होते हुए और क्या क्या हो सकता है, बेनिफिशियरी, अच्छे लाभदायक बेनिफिशियरी हो सकते हैं, फैसिलिटेटर हो सकता है, लोगों को जानकारी देने के लिए आप किसानों का यूज कर सकते हो। अगर सफल किसान है तो वो अपने द्वारा सबको प्रेरित कर सकता है, डिसीजन मेकर का रोल निभाता है, मैनेजर का, एग्जीक्यूटर का, तो ये सारे रोल जो है फार्मर्स निभाता है। अब है थर्ड टॉपिक, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, ये डिज़ाइन किया गया है सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स इन अ पर्टिकुलर डोमेन। मतलब जैसे जो ह्यूमन एक्सपर्ट के पास जाकर पहले, जैसे जो भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं या प्रोफेशनल जो फार्मर्स हैं उनके पास जाकर किसानों को क्या है, कोई जानकारी लेनी पड़ती थी, तो इसमें क्या होता है, एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाया गया जो कि जितनी भी रियल प्रॉब्लम है फार्मर्स को, जो भी खेती करते टाइम प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया गया जिसमें फार्मर्स को ह्यूमन एक्सपर्ट के पास जाने के बजाय नॉर्मली वहीं जाकर उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं खेती से रिलेटेड, जो भी उनको जानकारी चाहिए वो वहाँ पर जाकर ले सकता है। इट इज़ एन इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया गया है, ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसा डोमेन तैयार किया गया है जिससे फार्मर्स की सारी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सुलझाया जाता है, उनको विद आंसर, उनके सारे क्वेश्चंस का जो है आंसर्स दिए जाते हैं और उनको नॉलेज डेवलप किया जाता है। ये कंसेप्ट कहाँ से आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम के थ्रू आया, और इसमें क्या होता है, एनहेंस की जाती है परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पर्सनल एंड फार्मर। एनहेंस कैसे की जाती है कि सारे फार्मर्स साइंटिस्ट के पास जाकर तो जानकारी प्राप्त कर नहीं सकते हैं, समय की कमी होती है, तो इसमें क्या होता है एक्सटेंशन पर्सनल का भी रोल बढ़ जाता है और फार्मर्स भी अपने आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टू मेक फार्मिंग मोर एफिशिएंट अपने आप ही हो जाएगी कि एक्सटेंशन एजेंट, कल ही हमने बात की थी कि 1000 फार्मर्स पर एक ही एक्सटेंशन वर्कर काम करता है, तो इससे क्या उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो अगर एक्सपर्ट सिस्टम या जैसे साइबर एक्सटेंशन के बारे में हमने कल पढ़ा था, तो ये नई नई टेक्नोलॉजीज यूज़ कर क्या होता है, फार्मिंग सिस्टम को क्या है, और ज़्यादा कुशल और प्रॉफिटेबल मतलब लाभदायक बनाया जाता है। टू रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम,
जब आप आपको किसी साइंटिस्ट के पास जाकर अपॉइंटमेंट लेकर धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बार बार जब भी प्रॉब्लम आएगी क्रॉपिंग सिस्टम में तो आपको जानकारी लेने के लिए जाना पड़ेगा, तो वो सारी टाइम की जितनी भी प्रॉब्लम आ रही थी टाइम रिलेटेड सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है। अब है कि पार्टिसिपेंट्स इन एक्सपर्ट सिस्टम डेवलपमेंट। सबसे पहले डोमेन एक्सपर्ट। डोमेन एक्सपर्ट क्या होता है? द इंडिविजुअल और ग्रुप हुज एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज इज कैप्चर्ड फॉर यूज एज एन एक्सपर्ट सिस्टम। मतलब आपको जो भी जानकारी लेनी है इसमें क्या है सिस्टम में पहले से फिट किया जाता है, उन रिलेटेड सारी क्रॉप से रिलेटेड या जो भी बिजनेस से रिलेटेड इसमें सारी इंफॉर्मेशन किसी भी एक्सपर्ट से लेकर फीड की जाती है, तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन उसके थ्रू मिल जाती है। सेकेंड इसका कंपोनेंट क्या है? नॉलेज यूजर। नॉलेज यूजर जैसे आप हो जाओगे, ये तो एक्सपर्ट सिस्टम में जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपर्ट से डेटा फीड कराया जाता है। इसमें क्या होता है, नॉलेज यूजर कौन हो जाएगा? इंडिविजुअल, जो भी किसान है वहाँ पे, जिसको बेनिफिट चाहिए उसका, जो भी जानकारी प्राप्त करनी है, वो जो किसान होगा वो कौन हो जाएगा? नॉलेज यूजर हो जाएगा। थर्ड है नॉलेज इंजीनियर। वो कौन होगा? समवन ट्रेंड, मतलब जो पूरा उस एक्सपर्ट सिस्टम को मेंटेन करेगा, उसको पूरा इम्प्लीमेंट करेगा, उसका डेवलपमेंट करेगा, वो सिस्टम को मेंटेन करने वाला कौन होगा? नॉलेज इंजीनियर। तो ये जो तीन होते हैं वो कौन है? पार्टिसिपेंट्स हैं एक्सपर्ट सिस्टम डेवलपमेंट के। फिर है एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। एप्लीकेशन किस किस में होती है एक्सपर्ट सिस्टम की, मतलब इसमें आप किस से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हो? तो क्रॉप को, आपको कोई भी क्रॉप को सेलेक्ट करना है, फसल का चयन करना है, उसमें एप्लीकेशन है इसकी। फिर क्रॉप प्रोडक्शन के जितने भी एस्टिमेट्स के बारे में आपको पता करना है उनसे रिलेटेड जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। प्लांट डिजीज, कौन कौन से रोग लग रहे हैं, पेस्ट लग रहे हैं, उनसे रिलेटेड उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, उनका कंट्रोल कैसे करना है, उससे रिलेटेड भी जानकारी। सोयल को कैसे मैनेज करना है, कैसे इम्प्रूव करना है, उससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ। वीड मैनेजमेंट कैसे करना है, इरिगेशन मैनेजमेंट कैसे करना है, या पूरा जो फार्म की प्लानिंग है, पूरा जो आपको क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जितनी भी तैयारियां करनी होती है, जितने भी आपको एडवाइस लेने होते हैं साइंटिस्ट से, उन सब के बारे में इसमें पहले से एक्सपर्ट सिस्टम में फीड कर दिया जाता है डेटा, जिससे आपको तुरंत जानकारी मिल जाती है। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम इन वर्ल्ड वाइड। इन नामों से फेमस है कि पोमे, कॉमेक्स, कॉम्प्यूटेक, कपटेक्स, इन सबसे। और इंडिया में जो फेमस है वो है वीट क्रॉप। वीट क्रॉप से रिलेटेड जितनी भी जानकारी लेनी होगी तो वीट क्रॉप का एक्सपर्ट सिस्टम बनाया गया है। राइस क्रॉप डॉक्टर के नाम से है। एक ग्रेप, मतलब अंगूर में जब कल्टीवेशन किया जाता है तो उससे रिलेटेड भी है। और एक एग्रेक्स है जिसमें फर्टिलाइजर, क्रॉप प्रोटेक्शन, इरीगेशन सिंचाई, इरीगेशन की जितनी भी शेड्यूलिंग की जाती है उनसे रिलेटेड एक्सपर्ट सिस्टम ये कुछ इंडिया में है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी आते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी। अब है एडवांटेज क्या है एक्सपर्ट सिस्टम के। सबसे पहला है कि इट एनहेंस डिसीजन क्वालिटी। मतलब आपको जब भी जानकारी प्राप्त करनी होगी आप तुरंत आपको आपकी जानकारी मिल जाएगी और आप डिसीजन टाइमली ले पाओगे, तो फिर फर्स्ट ये हो गया। सेकंड है इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंसल्टिंग एक्सपर्ट। आपको एक्सपर्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा तो वो जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर देगा, कि उनको कंसल्ट करने में जो भी कॉस्ट लगती है, आपको कभी कभी पे भी करना पड़ता है, तो वो जो कॉस्ट है वो हट जाएगी और आपको डायरेक्ट नॉलेज मिल जाएगा। इट प्रोवाइड क्विक एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन। क्विक अपने आप टाइम सेविंग हो जाती है, तो ये अपने आप जल्दी हो जाता है आपका, और एफिशिएंट सॉल्यूशन भी हो जाता है आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है क्रॉप रिलेटेड। इट ऑफर्स हाई रिलायबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट सजेशन। इसमें भी एक्सपर्ट के ही सजेशंस होते हैं तो इसमें रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होती है। इट गैदर्स स्कैर्स एक्सपर्टाइज एंड यूज इट एफिशिएंटली। ये जितनी भी एक्सपर्ट्स की एडवाइस होती है उनको एफिशिएंटली यूज़ कर शो करता है। इट कैन वर्क ऑन स्टैंडर्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। जितने भी स्टैंडर्ड कंप्यूटर के हार्डवेयर है उस पर ये काम करता है ईजिली। अब है लिमिटेशंस क्या क्या हैं एक्सपर्ट सिस्टम की। द नॉलेज बेस मे नॉट बी कम्प्लीट। पूरा सारा जितना भी नॉलेज है वो कम्प्लीट तो इसमें फीड नहीं किया जा सकता है, इसलिए कभी कभी आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें मिली जाए। ईच प्रॉब्लम इज़ डिफरेंट। सब
फार्मर्स के जो इसमें कॉमन बताया जाता है कि इस राइस में ये प्रॉब्लम आ रही है या गेहूं में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बारे में कॉमन प्रॉब्लम्स डिजीज़ के बारे में बता दिया। पर कभी कभी क्या होता है, एरिया स्पेसिफिकली जो है वहाँ के कंडीशन डिफरेंस हो सकती है, सब चीज़ें डिफरेंट हो सकती है, सोइल की कंडीशन अलग हो सकती है, डिजीज़ जो है अलग अलग प्रकार से इफ़ेक्ट कर सकते हैं अलग अलग क्रॉप को, तो उसके कारण कभी कभी एक्सपर्ट सिस्टम में लिमिटेशन हो गई है उसकी। हैंस द सोल्यूशन फ्रॉम ए ह्यूमन एक्सपर्ट, कोई भी ह्यूमन एक्सपर्ट की जो डेटा फीड किए जाते हैं, पर इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं उनके सबके अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं, उनकी थॉट्स अलग होती है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज अलग अलग होती है, तो सबके तो मैच नहीं कर सकते, तो वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। एक्सपेंसिव टू बिल्ड, बनाने में थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है कि एक्सपर्ट सिस्टम का जो पूरा हार्डवेयर उसको मेंटेन करने में जो इसको कॉस्टली पड़ जाता है ये थोड़ा। टेक्स लॉन्ग टाइम टू डेवलप एंड फाइन ट्यून, इसको डेवलप करने में टाइम लगता है, जितने भी अभी तक जैसे राइस का हमने देखा, ग्रेप का आ गया, पर हर उसको डेवलप करने में क्या ये थोड़ा टाइम लेता है। लार्ज एक्सपर्ट सिस्टम इज़ डिफ़िकल्ट टू बिल्ड एंड मेंटेन, जैसे कि इसको डेवलप करने में क्या है थोड़ा टाइम लग जाता है, तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हो गई। तो आज की क्लास में हमने देखा कि मार्केट लेड एक्सटेंशन क्या होता है इसके बारे में, फिर फार्मर लेड एक्सटेंशन के बारे में देखा, और लास्ट एक्सपर्ट सिस्टम। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।